यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में मुलायम सिंह यादव ने पेच डाल दिया है। मुलायम ने गठबंधन का विरोध करते हुए अपनी पार्टी का प्रचार न करने का ऐलान कर दिया है। मुलायम ने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस गठबंधन की जरूरत नहीं थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चुनावी समझौते के मैं खिलाफ हूँ, मैं प्रचार नहीं करूँगा। कल ही लखनऊ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा रोड शो और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। गठबंधन के विरोध को बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव का नया ड्रामा बताया है। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने मुलायम सिंह यादव पर विवादित बयान दिया है। संजीव बलियान यूपी की मथुरा में प्रचार के लिए पहुंचे थे। हमेशा सांप्रदायिक राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आएगा, जीने का समय उनका रहा नहीं। मथुरा की सभा में बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी भी विवादित बोलते दिखे। उन्होंने संस्कारों को लेकर सोनिया गांधी और बीएसपी प्रमुख मायावती पर निशाना साधा। संसद के बजट सत्र के लिए आज दो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार ने सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस बैठक में चुनावी चंदे की पारदर्शिता का मुद्दा उठा सकते हैं। वहीं शाम को 7 बजे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ऑल पार्टी मीट बुलाई है। 31 जनवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद भवन में अभिभाषण देंगे। इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा सकता है। पहली बार 1 फरवरी को आम बजट पेश होने के साथ रेल बजट भी पेश होगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 9 फरवरी तक होगा, दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा। जीएसटी को लागू करने की तैयारियों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली आगामी बजट में सर्विस टैक्स को बढ़ाकर 16% से 18% करने का ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल देश में सर्विस टैक्स की दर 15% है। सर्विस टैक्स की दरें बढ़ने से फोन, उड़ान, रेस्टोरेंट समेत कई जगह टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। केंद्र ने 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर से जीएसटी को लागू करने का लक्ष्य रखा है। इस बीच जीएसटी काउंसिल के फैसले के विरोध में कस्टम और एक्साइज के करीब 70,000 अफसर आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। ये कर्मचारी समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को देने का विरोध कर रहे हैं। नोटबंदी के 1 महीने बाद जनधन खातों से 5,500 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाली गई है। 7 दिसंबर को जनधन खातों में जमा राशि 74,610 करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 11 जनवरी 2017 को ये घटकर करीब 69,027 करोड़ रुपए पर आ गई। प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है कि विजय माल्या और IDBI बैंक के तत्कालीन CMD की मुलाकात के फौरन बाद किंगफिशर एयरलाइंस को 350 करोड़ रुपए का शुरुआती कर्ज दिया गया था। माल्या पर बैंकों का 9000 करोड़ रुपए का बकाया है। किंगफिशर एयरलाइंस की माली हालत ठीक नहीं थी और IDBI बैंक के तत्कालीन CMD और विजय माल्या ने साजिश रची। इसी तरह किंगफिशर एयरलाइंस को 860 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। ट्रेन हादसों को लेकर रेल मंत्रालय को दी गई सेफ्टी रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटनाओं के लिए रेलवे स्टाफ की लापरवाही जिम्मेदार है। पिछले साल 6 दिसंबर को कानपुर रेल हादसे के बाद रेलवे ने सेफ्टी को लेकर एक टास्क फोर्स बनाई थी। रेलवे के सुरक्षा उपायों से जुड़े सीनियर अधिकारी भी इस समिति में शामिल थे। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर FIR का आदेश दिया है। केजरीवाल ने 8 जनवरी को गोवा में एक चुनावी सभा में लोगों से दूसरी पार्टियों से पैसा लेने और आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की थी। इस पर चुनाव आयोग से मिली चेतावनी के बाद केजरीवाल ने आयोग के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में जाने की बात कही थी। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के साथ 4 दिन का गणतंत्र दिवस समारोह खत्म हो गया। रविवार शाम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पारंपरिक बग्घी में विजय चौक पहुंचे। इससे पहले सुरक्षा कारणों से करीब 3 दशकों से सार्वजनिक समारोह में बग्घी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। बीटिंग द रिट्रीट के बाद पीएम मोदी ने काफी दूर तक पैदल चलकर लोगों का अभिवादन किया। भारत ने इंग्लैंड को नागपुर में दूसरे T20 मैच में एक दिलचस्प मुकाबले में 5 रन से हरा दिया। भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज को 1-1 के बराबर कर लिया है। भारत ने 8 विकेट खोकर इंग्लैंड को 145 रन का टारगेट दिया था।